दोस्तों स्वागत करते हैं, उम्मीद करते हैं सारे राजी खुशी होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों हर बार की तरह मेरी कोशिश यही रहती है जो रीसेंट अपडेट्स होंगे, रीसेंट वीज़ाज होंगे रहे बारे तुहानू दस्या जा सके, कुछ ना कुछ इनफॉरमेशन जिहड़ी हैगी है किसी ना किसी प्रोफाइल तो आपां नू मिलती रहती है, एक होप एक सेध मिलती रहती है भी इस प्रोफाइल इदां दी सी, इहदा इस तरीके नाल वीज़ा आया तां साडा भी आ सकदा। सो यही कोशिश नू लैके जिहड़ा हैगा हर बार तुहानू जिहड़ी डिटेल दित्ती जांदी है। सो वीडियो शुरू करन तो पहलां मेरी रिक्वेस्ट है भी एक यूट्यूब चैनल नू जरूर सबसक्राइब करो, नाल बैल आइकन ते क्लिक करो। मैं हर बार कहना मेरी कोशिश रहती है जिहड़ी तुहाडी एक क्लिक है वो बेअर्थ नहीं जाऊगी, जिन्ना हो सकूगा इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं तुहाडे लई लैके आऊँगा, जिन्नी मैक्सीमम डिटेल हो सकती है मैं तुहानू दे सकूँगा, जिन्नी कि नॉलेज मैनू है मैं उन्नी कि नॉलेज तुहाडे नाल शेयर करूँगा। सो अज एक चंगा दिन है जिथे कितना कितने सारे पंजाबी जिहड़ी मीह की वेट कर रहे, एक झड़ी की वेट कर रहे, बट वह तो मैं पता नहीं कदों आऊगी, बट जी इमीग्रेसन ने जिहड़ी वीज़िया की झड़ी जरूर लवाई है। अज साडे जिहड़े 15 वीज़े जिहड़े कैनेडा दे रिसीव होए ने, एंड 15 दा 15 प्रोफाइल जिहड़ियां अलग अलग कैटागरीज दे ने, इहदे विच विजिटर वीज़ा भी ने, इहदे विच स्पाउस ओपन वर्क परमिट भी ने, एंड इहदे विच स्टूडेंट वीज़ा भी ने। सारिआं नूं जरूरी इहदे विच स्टडी वीज़ा भी ने, पी टी वालिआं दे जिहड़े पी टी एक हॉट टॉपिक बनिआ होइआ अज दे टाइम दे विच, पी टी नूं लैके बहुत सारीआं गल्लां बहुत सारीआं अफवाहां ने। सो दो वीज़ाज पी टी ते भी रिसीव कीते ने, उहनां बारे भी गल करांगे। सो वन टू वन मैं एप्लीकेशन बारे तुहानू दसूँगा, ट्राई करूँगा भी छेती खत्म करा तां जो उस तो बाद पी टी ते भी कुछ गल हो सके। सो सारियां एप्लीकेशन जिहड़ियां आईआं ने किन्ना कु टाइम, बेसिकली टाइम दसना बनता हुंदा, क्योंकि ज़्यादातर जिहड़ी क्वेरीज भी आउंदियां उह मैं जिहड़ियां क्वेरीज नोट करदा ज़्यादातर भी टाइम दीआं ही हुंदियां ने, साडी एप्लीकेशन लगी नूं इन्ना टाइम हो गया कदों तक जिहड़ा वीज़ा आऊगा। सो सब तो पहलां शुरुआत करदे हां जिहड़े पासपोर्ट स्टैंप हो के आए ने, नवप्रीत सिंह जो कि बठिंडा के रहने वाले ने, इन्हों का कैनेडा का विजिटर वीज़ा आया देख सकते हो, नवप्रीत सिंह एंड इन्हों के स्पाउस ने, दीपिंदर कौर इन्हों का भी जिहड़ा स्पाउस सॉरी विजिटर वीज़ा जिहड़ा कैनेडा का जिहड़ा लग के आया, इन्हों की एप्लीकेशन जिहड़ी हैगी आ मार्च के सबमिट हुई सी, मार्च वाली सब एप्लीकेशन के जिहड़े कितना कितने जिहड़े डिसीजन है वह विजिटर वीज़ा के आ रहे हैं। बेसिकली मैं हर बार दसदा भी विजिटर वीज़ा का कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई टाइम जोन नहीं है भी इस टाइम के कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है भी इस दे बिच बिच ही आऊगा, वीज़ाज डिसीजन पॉजिटिव है बट कई बार अगे पिछे डिसीजन जरूर हो जाता, किसी का 15-20 दिन महीने च आ जाता तो किसी को 3-4 महीने वेट करना पैंता विजिटर वीज़े का, जो ट्रेंड आ वो इदा चल रहा। उस तो बाद गोविंद सिंह है जी, गोविंद सिंह जो कि कोटशमीर बठिंडा के रहने वाले ने, इन्हों का जिहड़ा स्पाउस ओपन वर्क परमिट का जिहड़ा पासपोर्ट आ स्टैंप होकर आया 14/5/2023 तक का, जिहड़ा गोविंद नूं वीज़ा मिलिया। मैं सारे परिवार को मुबारक दिना, गोविंद की जिहड़ी एप्लीकेशन है वो सबमिट हुई सी जुलाई के, मेडिकल पास होया सी 10 फरवरी 2022, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई सी 23 मार्च 2022, डॉक्यूमेंट सबमिट हुए सी इन्हां दे जिहड़े June 6 ते 8 June पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई सी, तां किते जाके हुण जिहड़ा इन्हां दा पासपोर्ट स्टैंप होके आया। सो गोविंद नूं भी ते इन्हां दी सारी फैमिली नूं भी बहुत बहुत मुबारक। स्पाउस दा जिवें आपां नूं पता है जिहड़ा ट्रेंड है वो बहुत चंगा चल रहा, डिसीजन चंगे आ रहे ने। उस तो बाद जिहड़ा हैगा शमनदीप सिंह है, शमनदीप सिंह दा अगेन स्पाउस ओपन वर्क परमिट है, एंड इन्हों का 30/4/2023 तक का ही जिहड़ा वीज़ा इन्हां नूं स्टैंप होके आया। इन्हां दी जिहड़ी एप्लीकेशन है वो 1 दिसंबर नूं सबमिट हुई सी, बायोमैट्रिक 21 दिसंबर नूं, मेडिकल 15 फरवरी 2022 नूं, ते उस तो बाद जिहड़ी इन्हां दी अप्रूवल जिहड़ी आ गई सीगी। सो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट भी इन्हां नूं आई सी, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट सबमिट तो करन तो बाद जिहड़ी इन्हां नूं पासपोर्ट इन्हां दा रिसीव हो गया सी। सो बहुत बहुत मुबारक दिंदा मैं। उस तो बाद एक छोटी जी गुड़िया का वीज़ा आया, अशमीत कौर, अशमीत कौर का जिहड़ा डेट ऑफ बर्थ है 6/6/2019 है देख सकते हो, इन्हां नूं जिहड़ी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई है अशमीत दी, इन्हां दी एप्लीकेशन इन्हां दे फादर दे नाल सबमिट हुई सी, इन्हां दे फादर दी जिहड़ी स्पाउस ओपन वर्क परमिट दी एप्लीकेशन सी, उन्हां दा वीज़ा जिहड़ा आ गया सी, इन्हां नूं मेडिकल रिक्वेस्ट आ गई सी, तो किते ना किते जिहड़ी अशमीत नूं भी जिहड़ी अज मैडी जिहड़ी पासपोर्ट रिक्वेस्ट जिहड़ी आ गई है। उस तो बाद जिहड़ी एप्लीकेशन है इस दे बारे मैं कल भी गल कीती सी, दुबारा फिर दसदे आ, अशोक है जो थर्मल कलोनी बठिंडा दे रहने वाले ने, इन्हां नूं जिहड़ी स्पाउस ओपन वर्क परमिट दी ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई सी। सो इन्हां दी वाइफ दा वीज़ा भी साडे कोल लग्गिया सी, जनवरी 2022 इनटेक उन्हां दा सी, जनवरी
8-10 जनवरी ने उन्होंने स्पाउस दी क्लासेस स्टार्ट होगा तो 27 जनवरी ने उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करती थी उस तो 20 दिन बाद। सो अज देख सकते हो जी इन्हों भी जी स्पाउस ओपन वर्क परमिट की जी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आ गई है। इस एप्लीकेशन तो एक चीज़ तो क्लीयर होंगी है जिहड़ा कहा जाता भी एक समेस्टर वेट करनी चाहिए है, उदा का कोई भी कानून कोई भी पॉलिसी नहीं है। जिस दिन तुहाडे स्पाउस दी क्लासेस स्टार्ट हो गई अगर तुहाडी हसबेंड वाइफ की 90 डेज की स्टे कट्ठी हैगी है 90 दिन तुसी कट्ठे रहे हो, जिस दिन तुहाडे स्पाउस दी क्लासेस स्टार्ट होगा तुसी उस दिन तो अपना स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई करने एलिजिबल हो। कोई देरी नहीं करनी चाहिए किसी के जी है किसी के कहे तो, कोई ऐना भी एक समेस्टर वेट करो। ट्रेंड चंगा चल रहा स्पाउस का एप्लीकेशन सबमिट। जो पासपोर्ट आ स्टूडेंट वीजा के जो पासपोर्ट स्टैंप होकर आए हैं, सो पहला पासपोर्ट जोड़ा है गा दिलजोत कौर का गा, दिलजोत कौर का भी कैनेडा स्टडी वीज़ा आया। दिलजोत कौर की अगर एप्लीकेशन बारे गल करिए, इन्हों की प्लस टू 2021 नॉन मैडिकल के नाल नॉर्दन कॉलेज के कंप्यूटर सिस्टम टैक्नीशियन का सी इन्हों का कोर्स 6.5 इन्हों के बैंड सन। सो ऑलमोस्ट 3 महीने तो उपर इन्हों का पासपोर्ट जोड़ा टाइम लग्या वीज़ा आने। मनजीत कौर ने, मनजीत कौर का भी अगेन स्टडी वीज़ा कैनेडा का। मनजीत कौर की जी प्लस टू कमर्स नाल 2020 पास आउट ने, नॉर्दन कॉलेज के बिजनेस का कोर्स आ 6.5 नॉट लैस दैन 6 इन्हों के सन। ऑलमोस्ट 6 महीने इन्हों की प्रोफाइल तो लगे थे, 6 महीन बाद इन्हों जी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई है। दैन महकदीप गरेवाल, महकदीप गरेवाल का भी जोड़ा है कैनेडा स्टडी वीज़ा। नियागरा कॉलेज के इन्हों का बिजनेस का डिप्लोमा गा प्लस टू कमर्स नाल 2021 के की है 6 ओवरऑल 6 बैंड सन, तो 4 महीने इन्हों की जी पास एप्लीकेशन पर लगी है ये आने के उपर। उस तो बाद जोड़ा है खुशप्रीत सिंह का, खुशप्रीत सिंह का अगेन स्टडी वीज़ा आया। खुशप्रीत सिंह की जी एप्लीकेशन है प्लस टू 2021 कमर्स ने की है 7.5 नॉट लैस दैन 6.5 इन्हों बैंड सन। सो उस तो बाद जोड़ा है नवनीत कौर है, नवनीत कौर का भी जोड़ा देख सकते हो तुम जी पासपोर्ट स्टिकर स्टैंप ला के आया इन्हों का 4/30/2024 तक का इन्हों जो पासपोर्ट स्टैंप होकर आया। एंड जी नवनीत की एप्लीकेशन है वह प्लस टू नॉन मैडिकल ने की 2019 पास आउट ने 6 ओवरऑल 6 इंच बैंड सन। एंड नॉर्दन कॉलेज के कंप्यूटर सिस्टम टैक्नीशियन का डिप्लोमा से इन्हों का। सो इन की यह एप्लीकेशन से प्रीत जो कि सरूर के रहने वाले ने। कोमलप्रीत का अगर आप गल करिए, नॉर्थवेस्ट कॉलेज है बिजनेस के इन्हों की स्टडी से, इन्होंने बच्चे ने अलबर्टा जाना से 6-7 ओवरऑल नॉट लैस दैन 6.5 इन्होंने बैंड सन। सो कोमलप्रीत की जी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट तुसी देख सकते हो। उस तो बाद समाइली की एप्लीकेशन है, समाइली की एप्लीकेशन नियागरा के HRM है, इन्होंने लॉ की स्टडी की थी। सो लॉ तो बाद PG डिप्लोमा लॉ का नहीं सीता सी इन्हों जिहड़ा HRM के इन्होंने एडमिशन लैके दी है। ऑलमोस्ट जी समाइली की एप्लीकेशन भी जी है 3 महीनों के क्लीयर हुई है 6.5 नॉट लैस दैन समाइली का जो IELTS का स्कोर सी। उस तो बाद जोड़े दो वीज़ाज ने कैनेडा स्टडी वीज़ा ने PTE थे। हूँ PTE लैके बहुत सारिया अफवाहं हैं, कोई कहना जी पीजे आ रहे हैं, कोई कहना जी बंद हो गए। सो मैं क्लीयर करदा बार बार जोड़ा है भी जनवरी 2022 तो बाद जो PTE का रिजल्ट आ कितना कितने चंगा आ रहा, डिसीजन जोड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। उस तो पहले का रिजल्ट 50-50 से, बट हुण जाके जिहड़ा PTE का रिजल्ट आ बहुत चंगा। उहदी गल करिए पहला पासपोर्ट स्टैंप होके आया हरप्रीत सिंह का। हरप्रीत सिंह की गल करिए इन्हां दी एप्लीकेशन जिहड़ी हैगी आ कंप्यूटर दा इन्हां ने डिप्लोमा कीता सीगा, सॉरी सिविल का डिप्लोमा कीता सी। उस तो बाद लॉयलिस्ट कॉलेज विच सर्वे इंजीनियर टैक्नीशियन का 57 नॉट लैस दैन 53 इन्हां दा स्कोर सी। उस तो बाद दा जिहड़ा वीज़ा उह सुखमनजोत सिंह दा, सुखमनजोत सिंह ने प्लस टू कमर्स नाल कीती सीगी जिहड़ा 56 नॉट लैस दैन 53 सी इन्हों का। सुखमन की जी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही है। सो यह टोटल वीज़ाज ने जो असी अज रिसीव किए हैं, 15 कैनेडा वीज़ा रिसीव होए ने। सो सारिया प्रोफाइल्स बारे तुहानू दस दिता गया, जिहड़ा डिटेल सी, जिहड़ा टाइम सी, किस तरीके का टाइम इन्हों का लग्या। धन्यवाद।